हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि नंबर से कैसे और लूप की मदद से कैसे हम प्रिंट करते हैं नंबर्स या कैरेक्टर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं। सो कैसे हम स्ट्रिंग्स को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं डेटा सेगमेंट्स में, और उसको कैसे एक्सेस करते हैं और प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं माउंट कर दिया है मेरे ड्राइव को इधर, और यहाँ पर मैं नया फाइल लिखता हूँ, एडिट एडिट str.asm। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने str करके एक फाइल क्रिएट किया है। सो इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इधर कमेंट में लिख देता हूँ, असेंबली प्रोग्राम टू असेंबली प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे इस प्रोग्राम में, और इसी प्रोग्राम के ज़रिए से हम स्ट्रिंग्स फंक्शंस को देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे इधर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सेगमेंट के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एंड करेंगे, डेटा एंड्स, और कोड सेगमेंट को लिखेंगे, कोड सेगमेंट एज्यूम CS कोड, देन DS कोलन डेटा। सो प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ बिगिन। बिगिन हमको इधर डेटा को एड्रेस करना है कोड सेगमेंट में। सो मैं क्या करता हूँ, मूव एक्स कॉमा डेटा और मूव DS कॉमा एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको सभी प्रोग्राम में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा सेगमेंट्स के अंदर एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। सो मैं s1 को लिखता हूँ, s1 डिफाइन बाइट, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एवरी स्ट्रिंग्स एंड्स विथ डॉलर सिंबल, ये आपको पता होना चाहिए, और सभी स्ट्रिंग एंड्स विथ डॉलर सिंबल। सो चेक करेगा ये फाइल, एच को पॉइंट करेगा, ई को पॉइंट करेगा, एल को पॉइंट करेगा, सभी पॉइंट करके तब ख़त्म होगा, तब डॉलर सिंबल उसको मशीन को ना मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक वो चेक करता रहेगा स्ट्रिंग को। इसके लिए सभी स्ट्रिंग को हम डॉलर से एंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो कोडिंग पार्ट पर आते हैं यहाँ पर। सो मैं क्या करता हूँ, मूव DS कॉमा DX कॉमा S1। सो मैं DX के अंदर S1 स्ट्रिंग को मैं DX रजिस्टर में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग वो 16 बिट का होता है, क्योंकि 8 बिट एक सिंगल कैरेक्टर है 8 बिट, और उससे ज़्यादा कुछ भी है तो वो 16 बिट्स का हो जाता है। सो इसके लिए हम DX रजिस्टर को यूज़ करते हैं, नहीं तो मैं हम DL भी काम चला लेते हैं और DH से भी काम चला लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम अभी क्या करते हैं, इसको हम मूव करते हैं, मूव DX कॉमा ऑफसेट DX कॉमा ऑफसेट S1। इस लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर का लाइन, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर लोड इफेक्टिव एड्रेस कीवर्ड को यूज़ करना है, यहाँ पर LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस। सो इस लाइन को हम मूव DX कॉमा ऑफसेट S1 करके भी लिख सकते हैं। सो मैं इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाए मैंने क्या कर दिया है करके।
सो मैं इसका इस दोनों का मैं दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है करके। सो मैंने अभी इस S1 को DX में स्टोर कर दिया, अभी मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, सो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमको सर्विस रूटीन 9 को कॉल करना है। सो इसके लिए मूव AH कॉमा 9, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंटरप्ट कॉल करते हैं INT 21H। नेक्स्ट हमको प्रोग्राम से बाहर आना है, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए क्या करना है, मूव AH कॉमा 4CH, ठीक है फ्रेंड्स। फिर एक बार इंटरप्ट कॉल करते हैं INT 21H। बस इतना ही प्रोग्राम था, वो भी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए। सो हम कोड एंड करते हैं, कोड एंड्स देन एंड बिगिन, ठीक है फ्रेंड्स। इतना सा प्रोग्राम था, अभी रन करके देखेंगे और इसका भी चेक करेंगे। सो मैं फाइल पर जाता हूँ और सेव करता हूँ, सेव एग्जिट कर देता हूँ। नेक्स्ट कंपाइल करेंगे, मैसम str.asm, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी एरर नहीं है। सो मैं लिंक कर देता हूँ, लिंक str.obj, कोई भी एरर नहीं है। सो str.exe, ये देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना सा प्रोग्राम था, कोई भी मुश्किल नहीं है इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। सो मैं बता रहा था कि आप इसको ऑफसेट जैसे भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था। सो मैंने आप इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ आपको डिफरेंस पता लगने के लिए। सो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, सेव सेट कर देता हूँ और रन करेंगे और एक बार कंपाइल करेंगे। मैसम कोई भी एरर नहीं। सो लिंक भी कर दिया, देन str.exe, ये देख सकते हैं आप इस प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी स्ट्रक्चर में से अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।